हेलो गाइस, आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। सनी देओल लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं अपनी फिल्म गदर 2 को लेकर, क्योंकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करती नज़र आ रही है और फैंस इस फिल्म को मिल रहे रिस्पॉन्स से काफ़ी ज़्यादा खुश है और सनी से जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी बातें जानना चाहते हैं जो कि अभी तक राज बनी हुई थी। तो चलिए गाइस, मैं आपको एक बड़ी बात बताने वाली हूँ सनी देओल से जुड़ी हुई, जो कि है उनकी हेल्थ से रिलेटेड। दरअसल सनी देओल रहे हैं एक बड़ी बीमारी का शिकार। बोले थे बचपन में पढ़ते थे थप्पड़, सही सुना आपने। सनी देओल इन दिनों जहां गदर 2 को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, लेकिन अब एक इंटरव्यू में एक्टर ने अपने बचपन को लेकर एक ऐसा खुलासा किया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। रणवीर संग बातचीत में सनी ने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहा कि बचपन में वो डिसलेक्सिया बीमारी से पीड़ित थे। डिसलेक्सिया एक मानसिक बीमारी है जिसमें पढ़ने, लिखने और शब्दों को बोलने और याद रखने में परेशानी होती है। सनी देओल भी बचपन में इस समस्या से जूझ चुके हैं। अपना हाल बयां करते हुए सनी ने कहा, बचपन में लोग उनकी परेशानी को समझ नहीं पाते थे। सभी को लगता था कि सनी पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं और इस वजह से उनकी खूब पिटाई हुआ करती थी। यही नहीं, सनी ने बताया कि उन्हें घर पर भी बहुत थप्पड़ पड़ते थे। इस बारे में सनी बात करते हुए कहते हैं, मैं डिसलेक्सिया था पर उस वक्त किसी को क्या पता था कि डिसलेक्सिक क्या होता है। उस टाइम थप्पड़ पड़ते थे, सब कहते थे डफर है, पढ़ाई नहीं होती, इससे बहाने बनाता है ये। सनी ने बताया कि अभी भी उन्हें लिखने पढ़ने में दिक्कत होती है। सनी बोले, अभी भी मैं लिखने पढ़ने में परेशान हो जाता हूँ, जैसे वर्ड्स मुझे कुछ और दिखते हैं और दिखते थे भी। यही नहीं, सनी कहते हैं, बता दूं आपको, सनी कहते हैं डिसलेक्सिया की वजह से वो कई बार सेट पर टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ने के लिए मना कर देते हैं। वो अपने डायलॉग्स खुद से ही डिलीवर करना प्रेफर करते हैं। सनी ने ये भी कहा कि डिसलेक्सिया होने के बावजूद बचपन में उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा था। एक्टर ने कहा, मेरा आईक्यू बहुत हाई था, स्कूल में जब टेस्ट हुआ था तब आईक्यू 160 से ज़्यादा ही आया था। हालांकि सनी ने यह भी कहा कि उन्हें पब्लिक में बोलने में तकलीफ होती थी। करियर की शुरुआत में वो पब्लिकली बोलने से बचते थे। बहरहाल गाइज, इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन गॉसिप्स के लिए गॉसिप टाउन।